तेरह साल की उम्र में जब मैं घर से भाग के दिल्ली गया चाय की दुकान पे काम कर रहा था सिर्फ दो सौ रुपये वेतन में तो मुझे ये नहीं पता था कि आगे भविष्य में मेरे साथ क्या होगा और आज का दिन है जब मैं अपना खुद का छः सात YouTube चैनल चलाता हूँ और मिथिला मैथिली के बहुत सारे कलाकार यहाँ काम करते हैं और उनके घर के चूल्हा जलता है यहाँ से यकीन नहीं हो रहा है कि वो दिन और आज के दिन में कितने का अंतर है और कैसे ये सब हो गया बस दोस्तों यही कहानी हम जो स्टॉक से माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारी जर्नी कैसे हुई और होटल से थिएटर तक का सफ़र कैसा रहा मेरा नाम मुरारी कुमार चौधरी है और इस फील्ड में दीपक दीवाना के नाम से लोग जानते हैं और हमारा बचपन बहुत ही गरीबी के साथ गुजरा घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जिसमें दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे हम लोग पिता जो हमारे थे वो सरकारी नौकरी तो करते थे होम गार्ड बिहार पुलिस का लेकिन उस समय की जो नौकरी थी उसमें वेतन सही से नहीं मिल पाता था नाम के लिए सिर्फ सिर्फ वो थे बिहार पुलिस होम गार्ड की ड्यूटी करते थे लेकिन वेतन चार चार महीने छः छः महीने पर में मिलता था उनका अब आप जान सकते हैं कि उस समय हमारे घर की स्थिति क्या होती होगी मम्मी बीमार रहती थी पढ़ने का चाहत बहुत था लेकिन हमारे पास किताब कॉपी और स्कूल का फीस भी नहीं जुट पाता था लेकिन उस समय भी मुझे टीवी फिल्म ये सब देखना बहुत ये लगता था और उस समय मेरे गांव में हर किसी के घर में टेलीविज़न उपलब्ध भी नहीं था गांव में जो सबसे बड़ा होगा उसके घर में एक किसी के घर में टेलीविज़न था जहां सभी लोग जाके देखा करते थे सिनेमा धारावाहिक और उस समय प्रचलित धारावाहिक भी है। चलता था श्री कृष्णा महाभारत रामायण और देखने के लिए लोगों का भीड़ जुट जाता था पूरे गांव से मैं भी देखने के लिए जाता था और मुझे घर से मार भी लगती थी कि तुम क्यों जाते हो टीवी देखने के लिए और जिसके यहाँ मैं टीवी देखने के लिए जाता था उसने भी कई बार मुझे मारा तो मेरे दिल में यह भी था कि जब मैं बड़ा होऊंगा जब मैं कमाऊंगा तो टीवी जरूर घर में लेंगे हम क्योंकि तो मुझे टीवी फिल्म ये सब देखने मतलब सीरियल या कोई फिल्म देखने का बहुत शौकीन था मैं बस ये दिमाग में था बचपना मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मैं जब कमाऊंगा तो मैं टीवी सबसे पहले खरीदूंगा जो बैठ के अच्छा अच्छा सीरियल या फिल्म या कुछ देख पाएंगे हम लोग तो जब मैं घर से तेरह वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ के आठवीं तक मैंने पढ़ा और आठवीं पढ़ाई करने के बाद घर की स्थिति जब ज़्यादा ख़राब होने लगा तो मैं सब किताब सब बेच दिया आधे दामों में और बिना टिकट का ही मैं यहाँ से चल पड़ा गाँव से और बिना टिकट का जब गया तो ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं बस दिमाग में ये था कि मुझे कमाने के लिए जाना है और ढेर सारा पैसा कमाना है और गाँव में बड़ा आदमी मुझे बनना है बचपना मेरे दिमाग में आ गया दिन का सफ़र तो मैं ट्रेन में सही से काट लिया कोई टीटी वगैरह नहीं आया लेकिन रात का जो ये सफ़र था तो रात के सफ़र में एक टीटी -टी ने मुझे टीटी -टी ने मुझे पकड़ लिया और मेरे सिर के पास में यहाँ पे घाव था मुझे उस समय जब मैं घर से भागा था और उसने जो थप्पड़ लगाई तो मैं ट्रेन से टकरा गया और पूरा मुंह मेरा खून खून हो गया था और वो बोला कि सुबह में तुम्हें लेके थाने जाऊँगा क्योंकि तुम बिहार से बिना टिकट के आ गए हो और सुबह में जब वो मुझे प्लेटफॉर्म पे जब ले जा रहा था कि तुम्हें मैं थाने ले जाऊंगा क्योंकि तुम घर पे सारा बात उसने पूछा और कहानी हमारी सुन के वो बोला तुम्हें ले जाएंगे थाने और वहाँ तुम्हें बंद कर देंगे तो प्लेटफॉर्म पे जब ज़्यादा भीड़ होने लगा तो वहाँ मैं उसके हाथों से छोड़ के और प्लेटफॉर्म से निकल के मैं भाग गया था और भागने के बाद मैं दिल्ली पहली बार गया था यानी गाँव से एक छोटे गाँव से मैं शहर में पहली बार गया था मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है तो वहाँ का एक डाक पिन पोस्टमैन मिला और उसने वो मेरा उम्र देख के उसे पता लग गया कि घर से ये भाग के लड़का आया होगा प्लेटफॉर्म के पास में और वो मुझे जाके पढ़ाई मेरा पूछा कितने पढ़े लिखो कहाँ से आओ ये और सारा बात जब मैंने उसे बताया तो वो चाय की दुकान में मुझे काम लगा दिया कि तुम्हारे लिए यही काम है यहाँ पे क्योंकि आठवीं पास ही तो हो तुम और चाय की दुकान में मैं तीन सौ रुपये की नौकरी पे मैं लग गया वहाँ पे और वहीं चाय की दुकान के बाहर ही मुझे रहना था एक टेम्पू खड़ा था उसी में और रात वो रात अभी तक मैं भूला नहीं हूँ जब वो दुकान वाला बंद करके चला गया और वो टेम्पू में मेरा पूरे रात गुजरता था जब मोहल्ले के सारे कुत्ते उस टेम्पू के चारों साइड में भोंगते थे और डर से मेरा हालत ख़राब था और ये सोच रहे थे कि कहाँ हम आ गए हैं दूसरी बात मेरे घर पे मेरे मेरी मम्मी बहुत रो रही थी सभी लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि कहाँ ये चला गया लड़का बहुत खोज रहे थे अखबार पेपर इत्यादि जहाँ भी उनको लगा वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे हमें और हम यहाँ सोच रहे थे कि कैसे हम पैसे कमाएंगे दिल्ली तो आ गए और वो आके हम चाय की दुकान में लग गए और तीन तीन सौ रुपये भी कमाएंगे तो हम टीवी खरीद ही नहीं सकते हैं। और चाय लेके जब मैं गया था किसी ऑफिस में पहुंचाने के लिए तो बगल में टीवी का दुकान था तो उससे मैं पूछ रहा था पूछा जो कितने का है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पाँच हजार रुपये का उसने बताया था तो मैं ये सोच रहा था कि तीन तीन सौ रुपए कितने महीने कितने साल तक कमाऊंगा कि मैं एक टीवी खरीद के गाँव ले जाऊंगा और गाँव जब मैं ले जाऊंगा टीवी खरीद के तो गाँव के लोग मुझे कहेंगे कितना बड़ा आदमी आ गया मेरे दिमाग में जो चल रहा था क्योंकि किसी के घर में टीवी नहीं था जब मैं चाय की दुकान में काम कर रहा था तो मन में एक ये भी था कि हम जो गांव में देखते थे टेलीविज़न में हीरो हीरोइन ऐसे तो दिल्ली मुंबई में वो लोग रहते हैं और हम भी जाए तो ऑडिशन वहाँ हुआ करते थे फिल्म वगैरह इसका फिल्म में टेलीविज़न इस में काम करने के लिए और अखबार में भी वो आया करता था इश्तिहार जो इसमें फिल्मों में काम करने के इच्छुक संपर्क करे और मैं उसमें भी गया उसमें जाने के बाद उसने बताया पाँच हज़ार रुपये लगेंगे तुम्हें फॉर्म भरने के और मैंने पाँच हज़ार रुपये मैंने बहुत मेहनत से मैं इकट्ठा करके उसको दिया और इकट्ठा करके देने के बाद वो आदमी ले लिया और जब मैं पहुंचा जो मेरा पैसा दे दो रोने लगा जब मैं तो उसने बताया कि पुलिस में कम्प्लेन करके तुम्हें अंदर करा देंगे तो वो पाँच हज़ार रुपये भी मेरे चले गए और मैं आगे नहीं जा सका अभी भी फिल्मों का मैं का फिल्मों का भूत मेरे ऊपर सवार था और मैं काम कर कर के आगे खोजा करता था अखबार में टी में इसमें जो कहाँ पे इसमें मुझे काम मिलेगा फिर वहाँ मैं दिल्ली में, में भोजपुरी एल्बमों का काम ज़्यादा क्रेज था गीतों का ज़्यादा क्रेज़ था भोजपुरी और वहाँ काफ़ी सारे सिंगर रहते थे यूपी बिहार के तो मैं उन सारे सिंगरों से मिला तो वो भी लोग दस हज़ार बीस हजार पच्चीस हजार पचास हज़ार ऐसे पैसा लेते थे नए नए लड़कों से जो यूपी बिहार से जाते हैं और उनसे लेके उन्हें फिल्मों में या गानों में काम देते थे जो और उन्होंने भी मुझे पंद्रह हजार रुपये हमसे लिया और बोले तुम्हें इसमें काम देंगे और कोरस में उसने सबसे पीछे मुझे काम दिया जहाँ पे मैं दिख भी नहीं रहा था लेकिन एक छोटा सा भी क्लिप जब वो टीवी में मतलब जब वो कैसेट में मैंने पहली बार देखा तो बहुत खुशी मिल रहा था वो भी बीस पच्चीस लड़कों के पीछे छोटा सा कोई एक ऐसा सीन है जिसमें पता भी नहीं लग रहा था कि मैं ही हूँ और मुझे दिखाना पड़ रहा था रोक के गांव वाले को कि वो 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 मैं ही हूं ऐसा था तो उसने भी पैसे ठग लिए हमसे तो हमने ये सोचा कि ये लाइन जो है ये पैसे वालों के लिए है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनके लिए है हमारी तो बैकग्राउंड उतनी है नहीं तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना इसी में जुड़ के ऐसा काम किया जाए जो पैसे भी कमाया जाए और मेरा शौक भी पूरा होगा तो मैंने हर एक चीज सीखना शुरू कर दिया लाइट का कैमरे का और वहाँ जो छोटी छोटी गतिविधि जो भी शूटिंग में जो भी होता था हर हर एक चीज मैंने सीखना शुरू किया मैं बोला कुछ बनने से पहले पहले उसका बेसिक पूरा सीखना जरूरी है कोई भी चीज़ तो मैं वही प्रोडक्शन में सब में काम करने लगा चाय पहुंचाना साउंड में लाइट पकड़ना स्टैंड कैमरा साफ करना और इसी सब से मेरा धीरे धीरे तजुर्बा बढ़ता गया और धीरे धीरे मैं फिर कैमरा चलाने लगा लाइट पकड़ने लगा और एडिटिंग रूम में बैठने लगा जहाँ एडिटर सब एडिट करते थे और मैं सीखते 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 आगे सारा काम सीख गया और उसके बाद जाके मैंने दिल्ली सब में जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं उसके वीडियो एल्बम में शूटिंग करने लगा जिससे मेरी अच्छी आमदनी होने लगी और धीरे धीरे हम तरक्की करने लगे गाँव में जो हमारा फूस का घर था जो रहने लायक बिल्कुल नहीं था जब पानी आता था तो घर में घुस जाता था पानी और मम्मी पलंग के नीचे हम दोनों भा, दो भाई हैं हम और दोनों भाई को नीचे में रखती थी छुपा के कि पत्थर जो गिर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर ना गिर जाए बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते थे गांव में और वो खपरा का घर था और वो सभी खपरा चूर चूर हो जाता था जब पत्थर गिरते थे तो तो मम्मी पलंग के नीचे हम दोनों भाई को रखती थी और हमें वो पत्थर देख के चक्कर भी आ जाता कई बार हम बेहोश भी हो जाते थे तो ऐसा दिन था हमारा लेकिन हमने वो घर हटाया फिर दो रूम हमने बनाया वहां और धीरे 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 हम काम करते करते इतना तजुर्बा हो गया कि मैंने खुद का वीडियो एल्बम प्रोडक्शन हाउस खोल लिया दिल्ली में और वहाँ से मैं काफ़ी सारा वीडियो शूटिंग करने लगा शूटिंग तो कर रहे थे पैसे भी अच्छे बन रहे थे लेकिन अभी भी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था तो फिर हमने सोचा कि ये हम पूरी जिंदगी काम करते रह जाएंगे लेकिन हमारा नाम नहीं होने वाला है यूं ही और जिंदगी जो है अंधेरे में ही चली जाएगी तो हमने सोचा कि अपनी भाषा में क्यों ना काम किया जाए क्योंकि हमारी जो भाषा मैथिली भाषा था उसमें कम कॉम्पिटिशन था और यहाँ उतनी ज्यादा चीजें नहीं बनती थी और यहाँ यहाँ की जो चीज है परंपरा की यहाँ की जो छोटी छोटी पर्व त्योहार का चीज़ है उसका गाना या ये दिल्ली मुंबई में बनते थे और वो लोग शूटिंग करते थे जिनको पता भी नहीं था कि इसका बेस क्या है तो हमने सोचा कि अपनी भाषा पे हमें पकड़ है और हम अपनी भाषा पे क्यों ना काम करें तो हम यहाँ फिल्म बनाने के उद्देश्य आए कि हम यहाँ मैथिली भाषा का फिल्म बनाएंगे यूट्यूब के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं था और इस मतलब सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में तो हमारे गाँव में एक कंप्यूटर कंप्यूटर कोर्स कराने वाले एक इंस्टीट्यूट खुला तो उसमें मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तुम जो बनाते हो कैसेट में इसको क्यों नहीं डालते हो उस पर तो वो लोग यूट्यूब चैनल मेरा एक खोल दिया और मैं उस पर वीडियो अपलोड करने लगा लेकिन मैं गाने डालता था और गाना उतना पॉपुलर सब नहीं था उतने अच्छे भी नहीं थे तो वो ज़्यादा नहीं चल पाते थे व्यूज नहीं आते थे और धीरे धीरे इतना कॉपीराइट लगना शुरू हो गया बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक भी मारा उस पर और मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था कि ये हो क्या रहा है बस मैं सफर मेरा शुरू कर दिया था और वो चैनल मेरा चला नहीं बंद हो गया चैनल लेकिन मुझे इतनी समझ आ गई थी कि मुझे क्या करना है नहीं करना है तो मैंने खुद का चैनल क्रिएट किया खुद का चैनल क्रिएट किया और बना बना के डालने लगा लेकिन उसका जो यूट्यूब का कैरेटेरिया था वो पूरा करने में तो बहुत समय लगता और मेरी शादी भी हो चुकी थी तो घर की स्थिति भी नहीं थी जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तो कहाँ से मेरा परिवार चलेगा लेकिन YouTube तो स्टार्टिंग में पैसे नहीं आता जब तक मोनिटाइज नहीं हो पाता तो तब तक के लिए मैं मैरिज वगैरह में वीडियोग्राफी जो वीडियो एल्बम ये सब बनते हैं एडिटिंग वो सब काम कर साइड बिजनेस करके मैं घर चलाता था और साइड से ये भी काम करता था अब ये काम करने के लिए भी जिस कलाकार को हम बुलाएंगे उसको पैसे कहाँ से देंगे और बिना पैसे का कोई आएगा नहीं लेकिन हमारे एक दो मित्र थे जो जिन्होंने मुझे सहयोग किया और वो शुरू में वो सब भी उन्होंने मदद किया और काम करते करते धीरे धीरे हमने मोनिटाइजेशन किए मेरा हो गया चैनल और मोनिटाइजेशन पूरा होने के बाद फिर काम करने लगे और काम करते करते YouTube का जो पहला पेमेंट आया YouTube का जो पहला पेमेंट आया तो वो वही पेमेंट मुझे आज तक जो है वो इतनी खुशी हमें कभी नहीं हुई क्योंकि इतना पैसा मैंने कभी देखा ही नहीं था पहला पेमेंट जो आया था वो आया था सत्तर हजार रुपये लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सफर तो अभी बस शुरू हुई है अभी आगे तो बहुत सारा देखना है फिर हम धीरे धीरे काम करते रहे करते रहे करते रहे क्योंकि मुझे मिथिला मैथिली का पकड़ था मैं यहाँ का रहने वाला था यहाँ की गांव घर की हर एक चीज मुझे पता था और इसी से मैं पला बड़ा और आगे आया था तो यहाँ की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो गांव गाँग, गांव की जो कुरीतियां हैं जो हम लोगों के गांव समाज में घटती है घटना उसी चीज को मैं फिल्मांकन करने लगा इस पे ये सोचा कि हमारी ये टीम खोलने से दस लोगों को रोजगार सौ लोगों को रोज़गार मिलेगा और धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग जुड़ते चले गए और बहुत बड़ा टीम मेरा बन गया और बहुत बड़े टीम बनने से मैंने एक चैनल दो चैनल तीन चैनल ऐसे चैनल खोलते गया और अभी जो है दस लाख रुपए प्लस में महीने का जो है उससे कमाता हूँ यूट्यूब तो से और अभी मैंने काफ़ी उससे गाड़ी आईफोन जो भी कैमरा पसंद आया या जो भी हर चीज़ मैंने उसी से खरीदा और यू ने हमारी जिंदगी बदल दी दोस्तों एक समय था कि जब मुझे रहने के लिए घर नहीं था जैसे मैंने पहले बताया कि जब बड़े बड़े पत्थर गिरते थे और डायरेक्ट मेरे घर में आ जाता था और पानी लग जाता था पूरा और मम्मी पलंग के नीचे छुपा लेती थी हम दोनों भाई का और टीवी देखने के लिए जब हम गांव में किसी के यहाँ जाते थे कि गांव में पूरे गांव में बस एक ही टीवी हुआ करता था उस समय तो वो लोग कंप्लेन भी करते थे और पापा भी खोजते खोजते वहां पहुंच के बहुत पिटाई भी हमारी लगती थी तो हमने जब जब घर से भाग के गए थे तो टीवी खरीदने का जो मेरे मन में था ये तो अभी का समय में तो मैं मैं पचीस तीस मतलब मैंने रूम बना लिया जो एक घर था और लोग बोलते गए कि छोटा सा परिवार है और इतना सारा घर क्यों बनाते जा रहे हो तीन चार जगह मैंने घर बड़ा बड़ा मकान मैंने बनाया और रूम बनाता चला गया तो लोग बोले पागलपन है क्या क्यों इतना बना रहे हो तो मुझे वो दिन वो दिन मुझे जब याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम देखने से ही सुकून भरेगा और जो टीवी वाली बात थी जिस टीवी के लिए उस जिसके यहाँ मैं देखने के लिए गया था उसने मुझे मारा था बेलेंस और ये मेरा हाथ फूल गया था सूझ गया था पूरा और मम्मी भी मारी थी कि अच्छा किया उसने तुम्हें मारा ताकि तुम दोबारा मत देखाओ तो अभी मेरा जितने रूम है तो सब में एक बड़ा बड़ा टीवी खरीद खरीद के लगा देता हूँ तो मम्मी बोलती है पत्नी भी बोलती है कि पागल हो गए इतना ज्यादा क्यों एल टीवी और ये सब क्यों खरीद रहे हैं तो हमें वो दिन नहीं भूल रहे हैं वो दिन मुझे अभी भी याद है उसने जो मुझे मारा था तो अभी हो रहा है कि कितना ज़्यादा मैं टीवी और एलईडी ई डी खरीद ताकि वो देखने के बाद अंदर ठंडक हो तो हमको खुद देखिए कि हमने कहाँ सफ़र था हमारा और कहाँ हम आ गए तो ऐसा नहीं अगर आपका लक्ष्य है जो हम इसी क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए और ज़रूर आप एक ना एक दिन बढ़ेंगे बस हौसला बुलंद रहना चाहिए हौसला टूटना नहीं चाहिए अगर हौसला बुलंद रहेगा तो आप ज़रूर धीरे 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 थोड़ा देर लगेगा देर लगेगा लेकिन आप भी ऊंचाई पे जा सकते हैं आप हमसे आगे जा सकते हैं से एक सब्सक्राइब करूँ लाइक करो और जत्ते से जत्ते मैथिल हैं उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा के सुनने ला मिलत बस बनल रहूँ